नमस्कार। कक्षा 5 विषय पर्यावरण, पाठ 5 आओ खेले खेल। पहले अपनों ने पाठ पढ़ा था, इसके अंतर्गत अपनों ने खेल के बारे में पढ़े थे, पाठ आउटडोर इनडोर खेल के बारे में अपने पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है योग और योगासन। योग, अनेक प्रकार के योग हैं। योग करने से हमारा शरीर सुडोल, चुस्त, निरोग और सुंदर बनता है। योग आज पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जाता है और पूरा विश्व एक साथ 21 जून को योग दिवस के रूप में सभी योग करते हैं। योग करने से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रतिक्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसको कहते हैं योग। और योगासन जिसके अंदर आसन किए जाते हैं, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, जो आसन है वो किया जाता है। योग कहते हैं कि योगासन, योगासन में ताड़ासन, पद्मासन, मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ये सभी योगासन के अंतर्गत आते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग नियम, पतंजलि के अष्टांग योग नियम क्या है? अष्टांग नियम अष्टांग नियम इसके 8 नियम है। अष्टांग मतलब 8 नियम। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ये अष्टांग नियम के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन शैली, जीवन जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। अपने जब प्रार्थना सभा के, प्रार्थना सभा से पहले अपने 10 मिनट का शारीरिक होता है, योग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का विवेक, बुद्धि और एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमारे विद्यालय में योग करवाना अति आवश्यक होता है। विद्यार्थियों का शरीर भी सुंदर और सुडोल बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडोल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों द्वारा 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि जब योग होता है, योग शरीर के अनेक क्रियाओं को जोड़ता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसको करने के अनेक तरीके हैं, जमीन पर आसन लगा करके सामान्य रूप से सांस लेते हैं, कमर सीधी करके बैठते हैं और एक अनेक प्रकार के जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम आदि अनेक प्रकार से योगासन करते हैं। आपने देखा है कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है। एक प्रयोग अपन रात दिन करते हैं कि एक गिलास पर या कांच को अपन जब साफ करते हैं तो अपने मुंह से जो भाप निकलती है, वो भाप जब निकालते हैं तो कांच पर आती है,
वो कांस के धुंधलापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सांसों में क्या होती है, नमी होती है, और नमी क्या है, ठंडी सतह पर जम जाती है। इस प्रकार से क्या है कि कांस पर नमी आती है। और फूंक, फूंक से कई भी काम होते हैं, जैसे पहले ग्रामीण लोगों में लोग चूल्हे का प्रयोग करते थे, चूल्हे में जब लकड़ी डालते थे, जो अब लकड़ी जलाने के लिए, जलाने के बाद अग्नि जब जलाई जाती है उसमें फूंक मारी जाती है, और फूंक से क्या है, आग जल्दी पकड़ लेती है, और फूंक से आग आग को बुझाई भी जाती है। जब कोई गलती से कोई आग लग भी जाती है तब फूंक मार करके उसको बुझा भी देते हैं। इस प्रकार इसमें प्रश्न भी है, क्या आप फूंक से आग जलाई जा सकती है या फूंक से आग बुझाई जा सकती है। आगे लिखे, एक धागे की खाली मिट्टी रोल लेकर कोरे कागज पर चिपका कर बंद कर दें, बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। दूसरा, शांत बैठकर सांस लीजिए, घड़ी में देखिए 1 मिनट आप कितनी बार सांस लेते हैं। ऐसे अनेक इस क्रिया को अन्य कक्षा में अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2 या 3 चक्कर लगाइए, घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की कितनी गिनती होती है यह फर्क महसूस करना चाहिए। अगर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है तो तेज गति चलने से, दौड़ने से या खेलने से हमारे सांस तेज होती है। फीता लेकर सीना नापना चाहिए, जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी का नपवाइए, और कक्षा में इस तरह अन्य साथी का भी सीना नपवाना या इस तरह नाप कर देखना चाहिए। इसमें क्या है कि कमजोरी को दूर भगाकर, यानी योग पर एक पंक्ति लिखी है, कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते के कौशल बहुत सिखाते के रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते के। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा होता है। अगला पाठ अपन अगले दिन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।